नमस्कार दोस्त, आपका दोस्त अशोक प्रधान आज एक नया वीडियो लेकर आया है। आजकल हम लोग टीजर में बहुत ही मास्किंग इफेक्ट देखते हैं, जो कट टू कट में लगता है वो बहुत ही सुंदर लगता है। वो मास्क हम लोग किस तरह से बनाते हैं, चलिए आज स्टार्ट करते हैं, नया मास्क टूल के बारे में जानते हैं। ये गैलरी में आपको वीडियो गैलरी में वीडियो फिल्टर के अंदर में ये मास्क टूल आपको मिल जाएगा। वीडियो फिल्टर के अंदर फिर एक बार बोल रहा हूँ दोस्त, वीडियो फिल्टर के अंदर में ये आपको एक मास्क टूल मिल जाएगा। इसे हम लोग यूज़ कैसे करते हैं चलिए आज बताते हैं आपको। मैं एक नी सीक्वेंस ले लेता हूँ, नी सीक्वेंस में कुछ फ़ोटोज़ हैं, कुछ वीडियोस हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग वीडियोस पे यूज़ करते हैं। तो वीडियो के यूज़ करने के लिए पहले मैं एक ड्रोन फुटेज को लेता हूँ। ये ड्रोन फुटेज को लेने के बाद मैं इस पर मास्किंग का काम करूँगा। ये मेरे यहाँ तक आता है, इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ये फुटेज है ये कट क्या है, मास्क बन क्या है। तो मास्क लेने के लिए पहले मैं दोनों फुटेज को एकदम मिला लेता हूँ, सेंटर बाय सेंटर देख लीजिएगा दोस्त, सेंटर बाय सेंटर। और जहाँ के मास्किंग कटिंग करना है आप वहीं के वीडियो को लें। आप इसे क्या करें, कंट्रोल टी प्रेस करें, कंट्रोल टी प्रेस करिएगा दोस्त, आपका एक इमेज खुद बन जाएगा, ये फोटो इमेज बन जाएगा। इसे आप नई सिक्वेंस लें, नई सिक्वेंस लेने के बाद इसे आप ड्रॉप करें। ड्रॉप करने के बाद आप इफेक्ट में जाएं, इफेक्ट जाके मास्क वीडियो फिल्टर के अंदर मास्क टूल्स को लें और इस पर आप डालें। डालने के बाद दोस्त इस पर आप पेन टूल का उपयोग करें, पेन टूल को क्लिक करके आप इस पर कटिंग का लगाएं, कट लगाएं। इसे जितनी अच्छे से कट लगाइएगा उतना अच्छा होगा आपका। ये मैंने इसे रफली आप मैं कट कर रहा हूँ आपको दोस्त लोग, आप लोग अपना कट लगा लीजिएगा। ये मैं कट लगा लेता हूँ, लेकिन मतलब आउटसाइड ओपेसिटी को आपको ज़ीरो कर देना है। जीरो करने के बाद आपका वीडियो इस तरह से हो जाएगा, उसे ओके कर देना है। और एक नया सीक्वेंस आपको बनाना है, जैसे मैंने बनाया सिक्स है, तो मैं नया सीक्वेंस आपका यहाँ क्रिएट न्यू पेज से सीक्वेंस आपका क्रिएट होगा। एक नया सीक्वेंस आपको क्रिएट कर देना है और सीक्वेंस पे ये कटा हुआ वीडियो आपको डाल देना है। ये आप देखिए कटा हुआ वीडियो डाल दिया, आपको लेना है फिर आपने जो आपका बनाया हुआ है उस सीक्वेंस में आना है। उसको आने के बाद ये वीडियो को आपको नीचे रख देना, आपको जितनी देर की ड्यूरेशन क्रिएट करना है जितनी स्पीड में आप उसे लें। इन्फॉर्मेशन में लेआउट पर क्लिक करें। लेआउट पर क्लिक करने के बाद ये वीडियो को हमने इसको एकदम साइड कॉर्नर आपको जिस तरह से रखना हो, ऊपर नीचे जहाँ भी रखना है तो आप इसे रख दें, साइड कॉर्नर में आपको रखना है। आपके यहाँ पर लेआउट के जितने भी इफेक्ट्स है उसको ऑन कर देना है। लेआउट के ऊपर क्लिक करने के बाद ऑप्शन में आने के बाद डिफ़ॉल्ट का आप प्रीसेट में डिफ़ॉल्ट है उसे आप क्लिक करें। देखिए दोस्त आपका ये क्रिएट हो गया। आप इसे जितना स्पीड स्लो करना है ये आप कर सकते हैं। अब हमें नया कुछ और करना है तो मैं फिर वही उसी तरह से जाऊंगा, फिर मैं कंट्रोल टी को उपयोग करूंगा। कंट्रोल टी मैं रफ काट रहा हूं, आप इसे अपने अंदाज से बढ़िया से काट लीजिएगा। ये देखिए ये आपका आउटसाइड में क्लिक करिएगा, आउटसाइड में क्लिक करने के बाद आपका स्टेप से बन जाएगा। इसे फिर आप अपने सीक्वेंस पर जहां आपने मास्टर वीडियो रखे हैं उसके पास आइए और इस सीक्वेंस को काट के, आप एक ही सीक्वेंस पर काम कर रहे हैं तो आपके वीडियोस आगे पीछे होगा, वो वीडियोस फोटोज़ को आप काट लें। उसके बाद आप इसको यहाँ रखिए, ये लेयर पर रख के आप ये मास्किंग के लेआउट में लेआउट के अंदर जाएं और लेआउट के बाद इसे आप अपने हिसाब से जहाँ रखना है आप उसे रख सकते हैं। यहाँ आपके लेआउट पर फोटो क्लिक होना चाहिए, ये आपका बस इसी तरीका से आपका मास्किंग बहुत सुंदर बन जाएगा। अब मान के चलिए ये मुझे मास्किंग करना है तो मैं इसके एकदम सीक्वेंस सिचुएशन पे कट कर लूँगा, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, आपका
एक बार वही दोस्त करना है आपको, सीक्वेंस पे डालना है। एक सीक्वेंस में मैंने अपने सारे वीडियोस को रखे था, आप भी एक सीक्वेंस में रखें, एक कट बाय कट लगा लें। इन्फॉर्मेशन है आपका, लेआउट पे ध्यान देना है आपको, वीडियो इफेक्ट पे जाए, वीडियो फिल्टर मास्किंग पे, और ये आपका मास्किंग से इफेक्ट करिए। आप सुंदर सा साउंड इफेक्ट लगा के भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको रफ कट कर बता रहा हूँ दोस्त, आप इसे स्मूथली अच्छे से कटिंग करना, जितनी स्मूथ और बढ़िया कट होगा आपको वीडियो इफेक्ट उतना ही सुंदर आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बहुत कम सब्सक्राइब हैं। आउटसाइड में जाइएगा, ऑपेसिटी इसका पूरा कम कर दीजिएगा। ये 8 नंबर पे मैंने अपना रॉ वीडियो मास्टर 6 में रखा है, तो मैं 6 पे क्लिक करूँगा, फिर मैं इसे सटा लूँगा और जिस जो मैंने इफेक्ट कट किया है वो मैं यहाँ पर लाके डाल दूँगा। इसे मैं जिस तरह से ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जहाँ से भी आपको डालना है आप इसे यहाँ लेआउट पे देखिए। इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसको आप पूरा वीडियो के बाहर करने के बाद जिधर से लाना है उसके बाद ये लेआउट पे आपको क्लिक करना है और प्रीसेट में जाके डिफ़ॉल्ट को आप क्लिक करना है। देखिए दोस्तों आपका ये हो गया।